वहीं अब खबर जौनपुर से सामने आई है जहां पर सुजानगंज विकास खंड के पथवना ग्राम पंचायत की पहली बैठक में ही शुक्रवार को जमकर लाठियां बरसाई गई बता दें ईंट पत्थर चलाए गए और कुर्सियों को हवा में उछाल कर मारपीट शुरू हो गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग आपस में लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं और ये मामला आपको बता दें जौनपुर से सामने आया है जहां सुजानगंज ब्लॉक के जो है ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई जिसकी वजह से इस भयंकर हंगामे से ब्लॉक प्रशासन में हड़कम मच गया है इस वारदात में करीब कई दर्जन लोग जो हैं घायल हो गए और इस बैठक में शामिल महिला सदस्य किसी तरह से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई तो वही दोनों पक्षों की तहरीर लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है बता दें पूरा मामला जौनपुर से सामने आया जहां ग्राम पंचायत की बैठक की जा रही थी और इसी दौरान मारपिटाई का यह मामला देखने को मिला जहां मामूली विवाद ने इस तरीके से भयंकर रूप ले लिया और एक दूसरे से मारपिटाई शुरू कर दी गई जौनपुर का यह मामला बताया जा रहा है जसुजानगंज ब्लॉक के पटपतहना ग्राम सभा जो है उसकी बैठक बुलाई गई थी जहां पर मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई बढ़ते अगली खबर की ओर जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी ईएमए ने फाइजर और बायोटेक की ओर से विकसित की गई दवा को जो है मंजूरी देने की बात कर ली है बता दें विकसित वायरस रोधी टीके को 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाए जाने की शुक्रवार को सिफारिश की गई थी और वहीं ये फैसला महामारी के दौरान इस महाद्वीप में पहली बार बच्चों को टीका लगाने का रास्ता खोला जा रहा है फाइजर बायोटेक के टीके को 27 देशों के यूरोपीय संघ में सबसे पहले मंजूरी मिली थी और इसी के साथ ही दिसंबर में 16 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को लगाने के लिए इसे लाइसेंस प्रदान किया गया था इन देशों में करीब 17.3 करोड़ लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है तो वहीं टीके की समीक्षा करने वाली ईएमए के प्रमुख मार्को कोवलेरी ने कहा कि एक सुरक्षित और प्रभावी टीके की सुरक्षा किशोर आबादी को प्रदान करना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय संघ के नियामक को बच्चों और किशोरों के लिए टीके के इस्तेमाल को मंजूरी देने के लिए आवश्यक आंकड़े मिले थे और उन्होंने इस कोविड 19 के खिलाफ अत्यंत प्रभावशाली पाया है तो वही कैरिबियाई देश डोमैनिका में पकड़े गए आर्थिक अपराध के भगोड़े मेहुल चौकसी को हासिल करने की भारत की आस अब धुंधली होने लगी है बता दें डोमैनिका की अदालत ने चौकसी की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई पूरी होने तक उसे देश में ही रखने का आदेश दे दिया है। साथ ही उसे अपने वकीलों से मिलने की इजाजत देते हुए कोविड टेस्ट कराकर क्वारंटीन में रखे जाने की बात भी कही गई है बता दे कि इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए अदालत ने दो जून दो की तारीख मुकर्र कर दी है तो वहीं 28 मई की सुबह बंद चेम्बर में हुई सुनवाई में जुमेनिका स्थित कैरिबियाई हाई कोर्ट ने मेहुल चौकसी को कोविड टेस्ट और उपचार के लिए जुमेनिका चाइना अस्पताल ले जाने की मंजूरी दी है साथ ही कोविड टेस्ट का नतीजा आने तक मेहुल को सरकार और बचाव पक्ष की आपसी सहमति के सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा हमारी खबर राष्ट्रीय राजधानी से है बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सुबह तड़के एयर इंडिया की एक फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा इसके पीछे एक बड़ा ही अजीबोगरीब कारण बताया जा रहा है दरअसल दिल्ली से उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही इस फ्लाइट को वापस दिल्ली में लैंड करा दिया गया बताया जा रहा है कि फ्लाइट में चमकादड़ होने की जो खबर मिली थी जिसके बाद चमकादड़ होने के कारण फ्लाइट के पायलट ने यह फैसला लिया और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई इसी के साथ ही यह बताया जा रहा है कि फ्लाइट में चमकादड़ की सूचना मिलने के बाद ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर फ्लाइट को वापस दिल्ली में लैंड करवा दिया